दोस्तों, मैं आज आपको आपके फ़ोन की वॉल्यूम अप और डाउन बटन की एक ऐसी कमाल की और ज़बरदस्त सेटिंग सिखाऊंगा। देखिए, अगर आपके फ़ोन का वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन सही तरीके से काम करता है, दोनों बटन सही तरीके से काम करते हैं, तो आज इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि जो ट्रिक आज मैं आपको सिखाऊंगा उसको देखकर आप सभी लोग काफ़ी चौंक जाओगे और आप यही बोलो कि काश ये ट्रिक हमें पहले पता होती, क्योंकि ये ट्रिक आप सभी लोगों के लिए काफ़ी नई होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ यार एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अब देखिए, आपको ध्यान सुनना है। इस ट्रिक को अगर आप लोग अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपके पास किस कंपनी का फ़ोन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरी फ़ोन की स्क्रीन को देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरी फ़ोन की स्क्रीन है, डिस्प्ले है, वॉलपेपर है। अब डायरेक्टली जैसे कि मैं अपना व्हाट्सअप ओपन करूँगा तो यही स्क्रीन देखिए मेरे व्हाट्सअप पर आ जाएगी। अगर कोई भी बंदा मेरे व्हाट्सअप को यूज़ करना चाहेगा तो ये व्हाट्सअप को यूज़ नहीं कर पाएगा। और ये सब ट्रिक मैंने अपने वॉल्यूम बटन अप और डाउन से की है। मैं आपको दिखाऊंगा कि अप से आपको क्या करना है और डाउन से आपको क्या करना है। अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा फिर से अपने व्हाट्सएप को फिर ओपन करके दिखाऊं तो कुछ इसी तरीके से ही मेरे व्हाट्सएप पर मेरी होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से ऐड हो जाती है और ये बिल्कुल भी काम नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोबारा फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब देखिए, इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और ध्यान दीजिए, आपके फ़ोन के वॉल्यूम अप और डाउन बटन दोनों अच्छे से काम करने चाहिए। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे प्ले स्टोर ओपन कीजिए और उप्स ऐप लोग देखिए, इस ऐप का आइकन देख लेना, इस ऐप को आपको डाउनलोड करनी होगी। अब डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, नीचे मिलेगा आपको नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है अपनी वॉल्यूम अप से और डाउन से। जैसे कि यहाँ पर बनाता हूँ, पहले मैं दो बार अप यहाँ पर और दोबारा से मैं डाउन, दो बार अप, दो बार डाउन, फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा और दोबारा से मुझे पासवर्ड कन्फर्म करना होगा। पहले अप दो बार, फिर दो बार डाउन, फिर मैं कन्फर्म पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर सीधा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर कोई भी आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए ताकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाए तो उसको आप रिकवर कर सकें। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ भी यहाँ पर डालकर दिखाता हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से एक नोट आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना कुछ भी नोट टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए, ध्यान से आपको सुनना है और ध्यान से आपको देखना है। जैसे मैं ऐप को ओपन करूँगा, अब यहाँ पर आपको वही पासवर्ड डालना जो आपने वहाँ पर बनाया था। देखिए, यहाँ से कोई बंदा ओपन करेगा तो यहाँ से डायरेक्ट आप नोट, कोई भी नोट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, बट इसको आपको अनलॉक करना है। अपना वॉल्यूम बटन दो बार अप और दो बार डाउन जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया तो यहाँ पर एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ऊपर आपको ऑफ मिलेगा तो आप इसको ऑन कीजिए, कुछ परमिशन मांगा के अलाउ कीजिए। अब इसके बाद आप किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फिलहाल आपको व्हाट्सअप सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं व्हाट्सअप के सामने लॉक मिलेगा, इसको लॉक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर ब्लैंक पर मैं क्लिक करूँगा और नीचे मिलेगा कस्टम, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। बट उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी होम स्क्रीन पर जाइए और आप अपनी होम स्क्रीन का एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा फिर से उसी ऐप के अंदर जाना है, फिर वहीं आपको दोबारा से पासवर्ड डालना है, दोबारा अप, दोबारा डाउन जैसे यहाँ पर मैंने सेट किया था। फिर यहाँ पर ब्लैंक वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और कस्टम पर मैं क्लिक कर दूँगा। कुछ परमिशन मांगेगा वो मैं अलाउ कर दूँगा। दोबारा फिर क्लिक करूँगा और कस्टम पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम गैलरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम जो अभी हमने स्क्रीन शॉट लिया था उसको हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और उसको अच्छे से क्रॉप कर लेंगे ताकि ये फुल स्क्रीन पर आ जाए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर और ऊपर से मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। अब इसका देखिए, सेट होने के बाद ऊपर आपको मिल जाएगा क्रॉप, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये लोग आपका सेट हो चुका, आप इसको किसी भी ऐप के अंदर सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप पर सेट किया तो यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन किया, पहली बार आपको बताया कि आपका लॉक क्या है, दो बार अप और दो बार डाउन यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये अनलॉक हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा फिर से अपने व्हाट्सएप को ओपन करूँ तो यही मुझे दोबारा से कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर कोई बंदा आपको व्हाट्सएप को चलाना चाहेगा तो उसको लगेगा कि आपका व्हाट्सएप खराब हो चुका है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। आपको इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको वही पासवर्ड डाल देना है, डबल दो बार अप और दो बार डाउन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए।